आज माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं, कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडीजर वो आउट ऑफ स्टॉक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी फुल है, और तो और डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं हैं, इवन वार्ड बॉयज़ के पास पीपीई किट्स नहीं हैं, और दयनीय बहुत दयनीय स्थिति हमने बताई कि हर हॉस्पिटल में बहुत दयनीय स्थिति है, एवं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन उपलब्ध नहीं है जो सिर्फ सुशीला तिवारी और दून हॉस्पिटल को छोड़ के। तो कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि सिटी स्कैन्स लगाए जाएँ सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, और आरटीपीसीआर टेस्ट जो 162 टेस्ट अवेलेबल किट्स हैं वो लाए जाएँ, दूसरे मैन्युफैक्चरर से लाए जाए और उसकी स्पीड बढ़ाई जाए आरटीपीसीआर टेस्ट की, और जल्द से जल्द आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोर्ट को व्यक्ति को दिखाई जाए कि वह कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है लर्नेड सेक्रेटरी हेल्थ को कि नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स कितने हैं उत्तराखंड में, उसके पूरी डिटेल दें, एवं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड पेशेंट्स लगाए जाएं, तो 25% जो उनको बेड देने चाहिए कोविड पेशेंट्स के लिए वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और किस रेट पे दे रहे हैं वो उसका भी पूरा ब्यौरा दें कोर्ट को। और अगर जो वो ज़्यादा रेट मांग रहे हैं तो उन पे क्या कार्रवाई करी सरकार ने, उसके बारे में भी डिटेल रिपोर्ट फाइल करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है लर्नेड सेक्रेटरी हेल्थ को कि अगली तारीख तक जो भी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया सरकार ने, और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की जाए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम दें और लोगों को इलाज करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बताया कि नंबर ऑफ़ आईसीयू बेड्स बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है, और ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ाए जाएँ, वेंटिलेटर्स लगाए जाएँ, हर हॉस्पिटल्स में लगाए जाएँ, और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ की रिपोर्ट्स के लिए आप क्या उसमें जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उसमें क्या आप दे रहे हैं पूरा अपडेटेड रिपोर्ट फाइल करें 6 मई तक, और 10 मई को इसकी अगली तारीख की सुनवाई की गई तारीख निर्धारित की गई है, और 10 मई को ये अगली सुनवाई की जाएगी। धन्यवाद।